में विकास के नाम पे देखिए कुछ भी नहीं है, न तो एक पूरे मंडल विंध्याचल मंडल में न तो एक विश्वविद्यालय है, न कोई भी ऐसा चिकित्सा का केंद्र है जहाँ के बच्चों में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मिल सके। शिक्षा के स्तर में ध्यान दिया जाए तो पहली बार पठन पाठन के साथ साथ आप व्यवहारिक शिक्षा उनको दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे बच्चों में आत्मनोबल बढ़े और उनके अंदर प्रेरणा हो। मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से, आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह मंच ऐसे मुद्दों पर बात करता है जो प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक सरोकार और उन समस्याओं उन मुद्दों पर बात करता है कि जो वास्तव में आज समाज की ज़रूरत है, जो समाज के लिए आज ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जनपद के कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो अपनी बेबाक राय रखते हैं। तो आज हमारे साथ एक विद्यालय के प्रबंधक श्री राकेश जी पांडे जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में आज की जो राजनीति है, आज का जो शिक्षा का स्तर है, आप उसको किस तरह देखते हैं, इसमें किस तरह का बदलाव होना चाहिए। श्री पांडे जी आपका स्वागत है आईपा में, क्या कहना चाहिए? पहली बात तो आपका स्वागत है और हमारे इस चैनल पर जुड़ने पे आप लोगों का स्वागत है। आज की राजनीति में ये जो भी शैली है वो बहुत ही गलत तरीके से हो गया। जाति और धर्म पे राजनीति होने लगी, विकास को मुद्दा नहीं बनाया जाता है, विकास को मेन कारण नहीं माना जाता है, विकास कोसों दूर होता चला जा रहा है राजनीति के कारण, जाति और धर्म के कारण। आज हमारे ही भदोही जिला में विकास के नाम पे देखिए कुछ भी नहीं है, न तो एक पूरे मंडल विंध्याचल मंडल में न तो एक विश्वविद्यालय है, न कोई भी ऐसा चिकित्सा का केंद्र है जहाँ के बच्चों में स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर मिल सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट हो या जो भी सरकार बने वो विकास की ओर ध्यान दे और विकास को ही मेन मुद्दा बनाए। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा सभी को जरूरी है, स्वास्थ्य सभी को जरूरी है और ये दोनों चीज़ों पर कोई भी गवर्नमेंट विशेष रूप पर ध्यान नहीं देती है। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि जो सरकारें होती हैं या गवर्नमेंट है वो सही रूप से काम नहीं करती है या ध्यान नहीं देती है, इस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। पांडे जी, यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किस तरह की खामियां देखते हैं, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए किस किस चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है? शिक्षा के स्तर में ध्यान दिया जाए तो पहली बार पठन पाठन के साथ साथ आप व्यवहारिक शिक्षा उनको दिया जाए, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे बच्चों में आत्मनोबल बढ़े और उनके अंदर प्रेरणा हो कि दूसरे के प्रति सहयोग करने की। शिक्षा केवल एक किताबी शिक्षा नहीं होती है, जो मार्गदर्शन अध्यापकों द्वारा दिया जाता है उस शिक्षा के माध्यम से भी बच्चे आगे के मार्गदर्शन ग्रहण करते हैं। और हमारे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य आप कार्यरूपता प्रदान करें, न कि उसको केवल एक पाठ्यक्रम के रूप में उसको निर्धारित करें। तो इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जरूरी है और पूरे भदोही मंडल में न तो एक विश्वविद्यालय है और न ही मेडिकल कॉलेज है, न ही इस पर कोई राजनीतिक पार्टियां न ध्यान देती हैं और न कभी की हैं। केवल उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की अति आवश्यकता है, टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा की अति आवश्यक है। जिस तरह शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो अनेक लोग शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन जो आज हकीकत देखी जा रही है उसमें आप कितना अंतर समझ रहे हैं और उसमें किस तरह सुधार होनी चाहिए आप बताएं? देखिए, आज की शिक्षा व्यवसाय न रह करके केवल उसे शिक्षा रह गए, पाठ्यक्रम शिक्षा रह गए और पाठ्यक्रम शिक्षा के अंतर्गत आज जानते हैं रोजी रोजगार के अंतर्गत आप व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, टेक्निकल शिक्षा करेंगे तो आप रोजी रोजगार स्वयं भी कर सकते हैं और केवल एक पाठ्यक्रमीय शिक्षा ग्रहण करके आप रोजगार के लिए मार करेंगे और इतनी रोजगार किसी भी गवर्नमेंट में नहीं है कि सभी को रोजगार प्रदान किया जा सके। इसलिए मेरा सुझाव और मेरा झुकाव यही रहता है कि सभी बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को टेक्निकल और व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रेषित करना चाहिए। आप प्रबंधक भी हैं, आप विद्यालय का संचालन करते हैं, तो
यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि जनपद में सामान्य शिक्षा के लिए तो कई कॉलेज खुले हैं, लेकिन लोग टेक्निकल शिक्षा के लिए आखिर क्यों प्रबंधक लोग या पूंजीपति लोग क्यों नहीं इस पर कॉल करते हैं? उसका कारण है कि सरकार के माध्यम से या किसी भी अधिकारियों के माध्यम से किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है, उनका शोषण ही किया जाता है, जिसके कारण वो व्यावसायिक शिक्षा के रूप में नहीं आ पाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के रूप में सभी इंटर कॉलेज हों चाहे डिग्री कॉलेज हों, सभी अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देना चाहते हैं, देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनको उस तरह की सुविधाएँ प्रदान नहीं की जाती है, न उनको सुविधाएँ प्राप्त होती है, न सरकार के माध्यम से और न यहाँ के वैचारिक के कारण भी किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं होती। अगर यहाँ बात की जाए कि जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, ठीक है, वो इंटर कर ले रहे हैं, बीए कर रहे हैं या तो इस तरह की डिग्री ले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ समस्या हो रही है कि जैसे कि अगर टेक्निकल की बात की जाए तो लोग टेक्निकल की तरफ बाहर जाते हैं, दिल्ली, बम्बे, कोलकाता, इलाहाबाद, प्रयागराज जाते हैं, तो क्या इसमें नेताओं की या स्थानीय प्रशासन की भी कुछ भूमिका मानते हैं? देखिए, इसमें नेताएं या स्थानीय प्रशासन जो है वो कोई भी हो, यहाँ पर भी व्यवसाय शिक्षा की व्यवस्था यदि हो जाए तो वो बच्चे बाहर हमारे नहीं जाएंगे। कुछ गरीब बच्चे हैं जो बाहर जा कर के शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं और यहाँ पे शिक्षा स्तर ऐसा है नहीं, तो हम तो अधिकारियों और नेताओं से यही अनुरोध करेंगे कि कुछ ऐसे व्यवस्थाएं यहाँ किया जाए जिससे कि हमारे गरीब छात्र भी शिक्षा ग्रहण कर सकें और व्यावसायिक शिक्षा की ओर प्रेरित हो सकें। जनपद में बहुत ऐसे भी कॉलेज खुले हैं जो टेक्निकल शिक्षा देते हैं, जैसे कि आईटीआई के कॉलेज हैं खुले हुए हैं, कुछ सरकारी हैं तो कुछ निजी हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि बच्चों को सही से उनकी वहाँ पे व्यवस्था या कहीं कहीं कुछ समस्याएँ आए तो देखने को मिलती है, तो इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, टेक्निकल कॉलेज, पॉलीटेक्निक कई प्राइवेट और सरकारी भी खुले हैं, लेकिन उस तरह से वहाँ उनके यहाँ व्यवस्था नहीं है और व्यवस्था के साथ साथ वहाँ वैसी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। टेक्निकल चीज़ें हैं कि अब वहाँ पे आप प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकल के से संबंधित कोई सामान नहीं रहता है, केवल नाम के रूप में आईटीआई, पॉलीटेक्निक अन्य की मान्यता लेकर के केवल बच्चों का एक तरह से शोषण किया जा रहा है और उनको उस तरह से उच्च प्राप्त शिक्षा प्रदान नहीं की जा पा रही। इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे कि इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल के लिए बच्चों के लिए होता है कि भाई इनको प्रैक्टिकल की भी क्लासेज होते हैं, कक्षाएँ होती हैं, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें हैं क्या स्थानीय प्रशासन या जो प्रबंधक हैं उनकी वजह से भी बच्चों को माने इंटर स्तर तक के बच्चों को सही से उनको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है क्या? नहीं, देखिए, बात यह है कि प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है इंटर कॉलेजों में, तो प्राइवेट इंटर कॉलेजों में प्रैक्टिकल के समय आने पर ही कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल कराया जाता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उनको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। हाँ, कहीं कम हो प्रैक्टिकल होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल के जहाँ साइंस के वर्ग की मान्यता है वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्थाएँ रहती हैं। ये नहीं, पूर्णतया नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था बिल्कुल नहीं रहती है, कम हो या ज़्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कराया जाता है सभी जगह। आपने बताया कि कुछ जगहों पर समस्या है, मैंने कुछ जगहों पर समस्या है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, तो आखिर इस तरह के बच्चों से क्या आशा की जाए? कोई लोग जब स्नातक की कक्षाओं में जाएंगे तो कैसे वो टेक्निकल को पढ़ पाएंगे, विज्ञान को कैसे पढ़ पाएंगे, फिर उसमें कैसे उनकी बेहतरी प्रगति होगी? ये जहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्थाओं के बारे में मैंने आपसे बात किया है वो टेक्निकल के क्षेत्र में, क्योंकि टेक्निकल के क्षेत्र में हमको क्या है कि आईटीआई यदि हम कर रहे हैं तो आईटीआई में हमें मीटर अन्य चीज़ की जानकारी कराने के लिए हमें प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्रियों में हमें प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते हैं, वहाँ कुछ उस तरह की शिक्षा नहीं दी जा पाती है, जिसके कारण हमारे यहाँ के बच्चे बाहर की ओर अग्रसर होते रहते हैं। तो इसमें यह कहा जाए कि क्या टेक्निकल शिक्षा न होने की वजह से स्थानीय बच्चों में या ज़्यादातर बच्चों में बेरोजगारी की दिक्कत होने को मिल रही है? हाँ, स्वाभाविक है कि हमारे पास टेक्निकल शिक्षा नहीं है, प्रोफेशनल शिक्षा नहीं है, तो केवल हम बीए एमए करके, आप जानते हैं कि बीए एमए करके केवल रोजगार नहीं प्राप्त किया जाता है, टेक्निकल द्वारा कोई भी छात्र रहेगा तो अपनी स्वयं रोजी रोजगार कर सकता है और वो बेरोजगार नहीं रहेगा। बेरोजगार होने का सिर्फ ज़्यादातर कारण यही है कि हमें सही ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। तो आप अंत में क्या करना चाहेंगे, जो इसके लिए जिम्मेदार हो गया सही लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है? भाई, हम सरकार से और अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे और प्रार्थना करेंगे
कि वो शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दे। शिक्षा और स्वास्थ्य ही हमारे जीवन का मूल कारण होता है। यदि हमारे बच्चे शिक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश का, हमारे समाज का, अन्य चीज़ों का विकास होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के प्रयास करें और उनको जो शिक्षक हैं उनको भी उच्च कोट की शिक्षा देने के लिए प्रेरित करें। पांडे जी ने बताया कि जो सरकार का सहयोग, जो जिम्मेदार लोग उनका सहयोग हो जिससे कि टेक्निकल शिक्षा को और बढ़ावा मिल सके, और बिना शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा के जो है रोजगार में वृद्धि नहीं हो पाएगी और ऐसी बेरोजगारी संख्या बढ़ती रहेगी। तो आपका पांडे जी बहुत बहुत आभार, आपने हमारे साथ समय निकाला। आईपा में आप ऐसे ही बने रहें, अपनी बेबाक राय रखते रहें जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं।